My name is Arzu from class 11th. Today's current affair questions are: my question number first is, in which state the first solar powered tourist boat has been operated? Very good morning. Good morning, all of you. I hope you all are great. Dear students, actually something went wrong, but no problem. We will begin our today's current affairs session with a thought. Losers visualize the penalties of failure, while winners visualize the reward of success. With this quotation, we will start our current affairs show. The first question, here we go. In which state the first solar powered tourist boat has been operated? Yes, you tell the answer. Kerala. Is it right? Right answer, Kerala. Kerala is the right answer. Great round of applause for her. Very good. Point first. Point first, the name of the boat is Suryanshu. Point second, it can carry 100 passengers. My question number second is... Wait. Question number first, Kerala. Have you listened properly? What's it told you? Yeah, you repeat once again. The name of the boat is Suryanshu. And second is, it can carry 100 passengers. जो solar जो boat है, वो Kerala में introduce हुई है. Kerala के बारे में तमाम बातें. जो Kerala है, वो India में कहाँ पे located है? Where it is located? In which part? Southern India. Which part? Southern India. How many state border with Kerala? Anyone? Two states. North में Karnataka. और east से लेके थोड़ा slightly south में क्या है? Tamil Nadu. Karnataka and Tamil Nadu. Kerala का formation कब हुआ था? कोई बता सकता है क्या? किसी को answer मालूम है? Yes, Khushi. Kerala का formation. 1 November 1956, बहुत बढ़िया, very good. 1 November 1956. केरला के गवर्नर कौन है? कोई बता सकता है क्या केरला के गवर्नर कौन है? और केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? Who is the CM of Kerala? पिनराई विजन चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर आपके घर के लिए टास्क है. गवर्नर आप घर पे देखोगे, ठीक है. केरला के कितने नेशनल पार्क है घर पे देख लेना, जितने भी नेशनल पार्क है. केरला में लोकसभा राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट कितनी है वहां पे? 20. नेक्स्ट क्वेश्चन. माय क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हु हैज वॉन द ऑरलियंस मास्टर्स 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल? यस, बच्चों की संख्या बढ़ती हुई. यस, आप बताइए. यदयू बॉय. क्या इनका आंसर सही है? राइट आंसर, प्रियांशु राजावत. वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड. प्रियांशु राजावत का आंसर कौन सा था? Point first, Rajawat won his maiden tour title by defeating Magnus Johnson of Denmark in final match of the tournament. Point second, Orleans Master 2023 was held in France and is considered a Badminton World Federation Super 300 event. Badminton World Federation जो है ना, अब ये हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, तो उन्होंने करंट इवेंट बता दिया. इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 5 जुलाई 1934. 5 जुलाई 1934. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलालंपुर मलेशिया. कहाँ पे है? कोलालंपुर मलेशिया. मैंने कौन सी कंट्री का नाम बताया? आज आगे टिकट काट दे, मलेशिया की काट दे. चलो मलेशिया घूम के आते हैं. मलेशिया कहाँ पे स्थित है? इंडिया के साउथ ईस्ट में स्थित है. एशियन कंट्री है. कौन सी कंट्री है? एशियन. अच्छा, कोलालंपुर किसकी कैपिटल है? मलेशिया की. मलेशिया में प्रेसिडेंट होता है क्या बेटा? वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता. जैसे जापान में मोनार्की सिस्टम होता है ना, जैसे जापान हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक उसी प्रकार वहां पे भी क्या है? मोनार्की सिस्टम है. वहां के मोनार्क है अब्दुल्ला. कौन है? अब्दुल्ला. तो वहां पे सर प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा. फिर मैं कहूंगा कि बेटा वहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इब्राहिम करके उनका नाम है. शुरू का नाम मेरे दिमाग से निकल गया. ए से नाम है उनका, ए करके आदिल इब्राहिम. क्या नाम है? आदिल इब्राहिम उनका नाम है, ठीक है. मलेशिया के बॉर्डर किस किसके लगते हैं? दो तो समुद्र लगते हैं, नॉर्थ में साउथ चाइना सी और
और साउथ में इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अपने आप में काफी बड़ा है, ठीक है, पैसिफिक ओशन उसके बाद में थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन आता है। बॉर्डर किस किस के लगते हैं, बॉर्डर कंट्री मतलब उसके बॉर्डर कंट्री किस किस के लगेगी, नॉर्थ में लगेगी, इस तरफ लगेगी अपनी सिंगापुर, सिंगापुर लगेगी, ब्रुनेई लगेगी, इंडोनेशिया, ये कंट्री लगती है बॉर्डर मलेशिया की। मलेशिया की करेंसी कोई बता सकता है क्या, रिंगिट, रिंगिट करेंसी है मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन बिल्ट। यस यू, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके महाराजगंज, ये कहां पे स्थित है, कौन से स्टेट में बता सकते हो, कोई बता सकता कौन सी, यस यू बोल, थर्ड वन, यस यस यूपी, क्या सही बोल रहे हैं, राइट आंसर महाराजगंज यूपी, वेरी गुड, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अब उत्तर प्रदेश है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक मिनट की, उत्तर प्रदेश कहां पे स्थित है, सेंट्रल इंडिया या थोड़ा स्लाइटली नॉर्थ इंडिया के ऊपर स्थित। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके 8 स्टेट लगते हैं, कितने स्टेट, 8 स्टेट, एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है नॉर्थ में जिसको हम कहते हैं नेपाल, नेपाल के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है जिसको कहते हैं सूर्य किरण। अब जो 8 स्टेट है उसके बारे में बताता हूँ, नॉर्थ से स्टार्ट हो जाओ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश घड़ी की दिशा में, कल तो उल्टे चले थे ना रशिया में, आज हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो नॉर्थ में हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राइट हैंड साइड में आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड फिर बीच में आ जाएगा क्या नेपाल, फिर और राइट साइड में आएंगे बिहार, बिहार के ही नीचे स्थित है झारखंड, झारखंड के और घड़ी की दिशा में चलेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से और नीचे चलेंगे यानी कि साउथ में चलेंगे तो आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के थोड़ा सा स्लाइटली वेस्ट में चलेंगे तो आएगा राजस्थान, और राजस्थान से ऊपर हमें बताइए क्या हरियाणा, ओके हो गया आप, और दिल्ली का एनसीआर रीजन। उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कौन सी डेट पे हुआ था, 24 जनवरी 1950, अच्छी बात है। वहां का चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौनसीबेन पटेल है, कौनसीबेन, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, इसका नाम तो सबने सुना होगा, यस यू टेल, योगी आदित्यनाथ, जोरदार ताली बहुत बड़ी, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में 75, 31 राज्यसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की, इतनी जानकारी आज के लिए। अंत में मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, आज ही के दिन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919, जो भारत के लिए बहुत ही अशुभ घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आज के दिन, आज के दिन जो हमारे जलियांवाला बाग में सैकड़ों हजारों की संख्या में हुजूम वहां पे इकट्ठा हुआ था, और जनरल डायर ने बड़ी बेरहमी से और निर्दयता से उन लोगों की, तकरीबन 380 लोग उसमें मारे गए थे। तो मैं चाहता हूं अंत में हम नेशनल एंथम के बाद में सिर्फ एक मिनट का उनके लिए मौन हम करें, ये मैं चाहता हूं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस।